सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने यहाँ पे आके प्लस करके मुझे उसमें चीजें ऐड करनी है ना, तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल यहाँ पे आके प्लस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्टाइल रूल, टूल टिप बनी भी आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्टाइल, मुझे अपने रूल्स बनाने से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, पहले डिफॉल्ट तो ब्लैक हुआ है, लेकिन मुझे अपने इसमें रूल्स बनाने, सिंपल मैंने यहाँ पे आके प्लस कर दिया, प्लस करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने यहाँ पे आया सिंपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड, ठीक है। कलर आ रहा है बैकग्राउंड सबका, कलर आ रहा है, भी फिलहाल ये कलर देंगे बैकग्राउंड कलर, मैंने सिंपली दे दिया। अब मुझे टेक्स्ट को किस में करना है, सेंटर में करना है, टेक्स्ट को मुझे किस में करना है, सेंटर में करना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेक्स अलाइन, या अलाइन मतलब टेक्स अलाइन का मतलब आप लोगों को पता है, गाड़ी सामने चलाएंगे अलाइनमेंट का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन बनाना, एक तरीके से अलाइनमेंट किसी चीज की सेट करना, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर होती है, अलाइनमेंट होती है, ठीक है, तो अलाइनमेंट भी उसी से इन्होंने लिया, तो टेक्स की अलाइनमेंट मुझे क्या करनी है, सेंटर, मैंने टेक्स अलाइनमेंट लिख के क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, मेरा टेक्स सेंटर में आ गया गाइस, आ गया सेंटर में, सबको नजर आ रहा है टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया, गुड। टिश्यू का बॉक्स ला के, टेक्स अलाइन सेंटर, ये फॉन्ट साइज मैंने H1 लिखा, लेकिन अभी भी मुझे सर चारों का थोड़ा साइज और बढ़ाओ, सिंपली मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फॉन्ट साइज 1px, मैं बढ़ाता गया यहाँ, साइज बड़ा हुआ। अच्छा देखिए, अब ना आपने बोला मैंने 55px क्यों लिखा, px से मुराद है पिक्सल्स, px से मुराद है पिक्सल्स, समझ गए, किसी भी चीज के मतलब आपने देखो ना, एक बहुत बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है, उसका साइज कैमरे के थ्रू बड़ा किसके थ्रू हुआ, पिक्सल्स के थ्रू हुआ ना, तो किसी भी चीज का मतलब कोई भी साइजिंग हम देंगे किसके थ्रू देंगे, पिक्सल्स के अंदर, विथ भी देंगे तो हम पिक्सल के अंदर देंगे, साइज भी देंगे तो हम पिक्सल्स के अंदर देंगे, पीएक्स आपने मुझे कोई पीएक्स देना हमेशा जरूरी है, पीएक्स आपने दे दिया तो मेरा साइज बड़ा हो गया। अच्छा, कोई इसमें रॉकेट साइज नहीं है भाई, जो नॉर्मल यूज में वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कमांड नहीं है, बैकग्राउंड में कलर देना था, मैंने सिंपल बैकग्राउंड लेके आगे कलर सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड अलाइनमेंट मुझे सेट करनी थी, सेंटर लानी थी, मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, कोई रॉकेट साइज नहीं है। तीसरा था मेरा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज बिल्कुल नेचुरल वर्ड है यार, हम हर अगर आप बोलोगे वर्ड का साइज बड़ा करना, मैं बोलूंगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको फॉन्ट साइज ही बोलोगे, तो यहाँ पे सिंपल मैंने फॉन्ट साइज लिख दिया, तो मेरा फॉन्ट साइज 55 मैंने कर दिया, 55 और भी बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू? जैसे कि आपने आसान काम को सेलेक्ट किया, हाँ, दूसरे ऊपर वाला तो उसका भी जरूर बैकग्राउंड चाहिए, यही मैं क्वेश्चन सोच रहा था कि कोई बच्चा पूछे, गुड, हमने आप लोगों को बना दिया, ठीक है, गौर फरमाइएगा, कोडिंग छोड़ी, गौर फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम मैं कोडिंग से हटूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसको आगे आके आइडेंटिफाई भी करेंगे कैसे होगा। ऊपर मेरी क्या क्लास आई है, H1 दोनों क्या है, सेम है, दोनों की कोई अलग पहचान है ही नहीं, दोनों की कोई अलग पहचान है ही नहीं, यहाँ पे तो शक्लें नहीं होती है, यहाँ पे शक्लें नहीं होती है, जैसे मेरा नाम मुदम्मिल है, उसका नाम मुदम्मिल है, हम लोगों की डिफाइन क्या है, हम लोगों की मतलब पहचान नाम से तो है, लेकिन एक दूसरे को पहचानते किसी शक्लों से पहचानते है ना, तो यहाँ पे कोई इस तरह की कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं, सिर्फ नाम ही दिया हुआ है, तो ये कंप्यूटर भी वही चीज कैच कर रहा है, कोडिंग भी वही चीज कैच कर रहा है, कि H1 ऊपर वाला भी है और H1 नीचे वाला भी, इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा वो आगे की क्लास में, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जब मैं आपको बताऊंगा ना कि इनको अलग अलग कैसे करते हैं, ऊपर वाले का H1 को अलग क्लास देंगे, नीचे वाले अलग क्लास देंगे, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर आप अलग अलग स्टाइलिंग करो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अभी मेरा कहने का मकसद यही कि अभी हमने दोनों को सेम नाम रखा हुआ तो दोनों के ऊपर सेम स्टाइलिंग होगी, ये चीज क्लियर हुई सब लोगों को। वो मैटर नहीं करता, जो टैग मैटर करता है, लाइट सी बात है भाई, ध्यान से जाइए अपने अपनी बात करता हूं।
मैंने टैग खोला H1 का, उसपे शुरू से तो मेरा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था ना, मैंने लिखा था ना शुरू से तो मेरा नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा था, तो कंप्यूटर क्या कैच करेगा पहले, जो टैग कैच करेगा ना, मेरा नाम तो कैच नहीं करता, मेरा नाम तो मैंने बाद में लिखा, मेरे नाम की इस कोडिंग के अंदर कोई वैल्यू है नहीं, देखने मेरे नाम की कोडिंग में इस वजह कोई वैल्यू नहीं कि मेरे नाम क्या, मेरे नाम जो मैंने लिखा इसके अंदर कोई कलर शो नहीं होगा, कोई कलर मेरे नाम के यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू पता किस चीज़ की, जिसके ऊपर कलर शो हो रहा है, कलर किसके ऊपर शो हो रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। अगर मैं एहसान को वैल्यू बनाना चाहूंगा ना तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, जब आप मैं एहसान को वैल्यू बनाऊंगा ना फिर एहसान को कलर भी शो होगा, ऐसे सपोज करने के लिए मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ अभी शो नहीं होगा, अभी भी मेरे नाम क्या की कोई वैल्यू बनी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई टैग नहीं खोला, एट्रीब्यूट मैंने कोई खोला ही नहीं है, जिस वजह से मेरी वैल्यू भी बनी ही नहीं है, जब मैं अपनी वैल्यू बनाऊंगा स्पेसिफिकली उसका क्लास अलग है, अभी से मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप H1 को जो जितनी भी H1 है ना, एक बार H1 को स्टाइल दोगे ना तो पूरे H1 स्टाइल शुदा होते हुए आएंगे, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है गूगल की, सबका स्क्रीन शो हो रही है, गुड। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 55, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन दे दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने कर दी सेंटर, फॉन्ट साइज मेरा हो गया 55। अच्छा अब यार ये सबके टेक्स्ट कलर टेक्स्ट भी बिल्कुल सेम सेम आते हैं, बेसिक बेसिक आते हैं, सबके टेक्स्ट बिल्कुल बेसिक बेसिक आते हैं, ठीक है। तो अब मुझे अपने टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह भी चेंज करना है, तो टेक्स्ट की स्टाइल के अंदर ना एक अलग चीज होगी, अब वो बताऊंगा कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फॉन्ट स्टाइल लिखेगा, मैं फॉन्ट स्टाइल नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली, भाई ये इसकी भी अलग साइंस है, अगर मैं फॉन्ट स्टाइल लिखूंगा ना स्टाइल पता क्या करेगा, ज्यादातर उसको इटैलिक कर देगा या बोल्ड कर देगा, इटैलिक कर देगा बोल्ड कर देगा, स्टाइल से बढ़ा देगा। फैमिली का मतलब आप समझ के आपकी सेपरेट फैमिली है, उसमें अलग तरीके के लोग हैं, आपके अलग फैमिली मीन्स उसमें अलग तरीके के लोग हैं, जैसे हमें अलग फैमिली है उसके अलग तरीके के लोग हैं, तो फॉन्ट की भी अलग अलग फैमिलीज हैं, उनमें अलग अलग डिजाइन है। अब देखिए मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए फॉन्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, अभी और बहुत सारे आएंगे, कोई भी आप लोगों जैसे जिसने MS Word Excel वगैरह यूज किया हुआ है ना, वो अपनी तरफ से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट दे सकता है। अभी ना गूगल से महदूद हद तक बता रहा होगा कि इमोजी फॉन्ट ये रहा, मैंने ये वाला फॉन्ट लगा दिया, ठीक है, सपोज करें मैंने ये वाला फॉन्ट लगा दिया, उससे थोड़ा मतलब मुख्तलिफ है, लेकिन हम तो ये इस पे काम कर रहे हैं, पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉन्ट स्टाइल, आप लोगों को फॉन्ट स्टाइल का इशू आ रहा होगा ना, तो आप यहाँ से सिंपल आगे लिख देंगे गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट्स दे देगा, बहुत सारे एक्सट्रीम लेवल फॉन्ट्स दे देगा, W3 स्कूल पे ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई और फेल पे आते हैं। देखिए इसने कुछ अलग तरीके से किया था, ठीक है, अब ये वाली फॉन्ट फैमिली को उठा के वहां पे लगाऊंगा तो मेरा काम हो सकता है। कॉपी कर ली मैंने, मेरी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ऐसी है, अभी फिलहाल ये वाली जाने देते हैं, लेकिन आप जब अपनी कोडिंग में पेश करेंगे ना बताऊंगा फॉन्ट फैमिली कैसे सेट करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाली फॉन्ट फैमिली अपनी दे दी, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अब मैंने कितने टैग पढ़ा है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अच्छा अब मैं लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल, मैंने क्या देखा फॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, सिंपल इटैलिक कर देगा या वो नॉर्मल कर देगा, बस ये करेगा, ज्यादा ज्यादा और कुछ नहीं करता, स्टाइल का मकसद ही यही है, तो मैंने क्या कर दिया इटैलिक कर दिया, ठीक है, लुक आ गया। अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा समझ के काम करने वाला, ठीक है। अब मैंने क्या लिखाया था यहाँ पे, बॉर्डर, ठीक है, अब मुझे बॉर्डर देना है किसके ऊपर, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये वाला, ये बॉक्स ही कहलाएगा ना, अब मुझे इसके ऊपर बॉर्डर देना है, मैंने सिंपल लिख दिया बॉर्डर, ठीक है, एंटर नहीं करना होगा, बॉर्डर सॉलिड, सॉलिड देखा तो देखें आ रही है,
सॉलिड लिख दिया। अब सॉलिड के बाद आप लोगों को एंटर नहीं करना, सॉलिड के बाद आप लोगों ने एंटर नहीं करना। सिंपल आप लोगों ने पता है क्या करना है, स्पेस देनी है। देख रहे हैं मैंने भी स्पेस दी है, सही है, स्पेस दे दी। अब मुझे अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना। अब आप कोई कंट्रास्ट बताएं कि ब्राउन के साथ कौन सा कलर मैच करेगा। व्हाइट तो है, कोई अच्छा कलर बताओ ब्राउन के साथ कौन सा मैच करेगा। ग्रे, व्हाइट के ऊपर शॉकिंग कलर बताओ। शॉकिंग कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन छोड़ा आप लोगों के बाद, ठीक है। सॉलिड के साथ मैंने ग्रीन कर दिया। अब देखिए मेरा बॉर्डर थोड़ा पतला पतला आ रहा है। अब मैंने यहाँ आके 1px देखिए क्या करूंगा, इसका साइज बड़ा कर दूंगा। 11px दे दिया, कैसा? सब कोड देखो एक बार, आया समझ सबके? ठीक है, सब अभी तो देखिए हमारे उस टॉपिक की तरफ भी आप ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से होगा। अभी यहाँ तो सेव होगा नहीं पहले, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल फाइल नहीं है ना। हमारी ओरिजिनल फाइल कहाँ पे है? सबलाइन के ऊपर। मैं सबलाइन के ऊपर काम करूंगा, फिर यहाँ पे आगे पे वो सेव होगा ना। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा वापस, पहले जैसा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। असल करने का तरीका यही है कि यहाँ पे किया जाता है, फिर यहाँ से सेव नहीं होगा ना, कॉपी करके हम अपने कोड पे पेस्ट करेंगे। असल मतलब तरीका यही होता है, स्टाइलिंग करते हैं ना, स्टाइलिंग करने का मतलब ये कि आप साथ साथ देखते रहो कि ये चीज़ अच्छी लग रही है नहीं लग रही। कोडिंग तो आपने कर ली, स्ट्रक्चर बना ली भाई, नहीं लगता। लेकिन स्टाइलिंग सबसे मेन फोकस होता है कि आप खुद भी देखते रहो। देखे मैंने खुद देखते रहा, मुझे लगा ना कि जरूर महसूस हुई कि बॉर्डर का साइज थोड़ा बड़ा करना है। गाइस सुन लो, इधर सुन लो, जरूर मुझे महसूस हुई ना कि मुझे बॉर्डर का साइज बड़ा करना है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे जरूरत कुछ महसूस हुई। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे आके इनपुट भी मैंने यहाँ पे होता रहेगा और आउटपुट भी मुझे शो होता रहेगा। अब आप लोगों ने बताओ सेव करने का क्या कैसे होगा सेव? जाहिर सा मेरी ओरिजिनल फाइल है, मेरी ओरिजिनल फाइल यहाँ पे सबलाइन के अंदर है। मैंने सिंपल ये टेक्स्ट देखिए, आप मेरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड कलर आ रहा है। मैंने सिंपल इसको यहाँ से आके एक एक करके कॉपी कर लिया, सही है। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, देखिए बैकग्राउंड कलर वाला ऑप्शन मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं अपना स्टाइल का टैग खोलूंगा, जिस तरीके से इसमें मामूल हम लोग खोलते हैं। टैग के अंदर ही खोला मैंने, ठीक है। स्टाइल करके मैंने इक्वल टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने वहां पर अपना पहले क्या काम किया था, कौन सी चीज कॉपी की थी? बैकग्राउंड कलर। मैंने सिंपल आके यहाँ पे आके पहले अपना बैकग्राउंड कलर लगा दिया, ठीक है। मेरा एक चीज क्लियर होगा, मैंने थोड़ी सी स्पेस दी, अब मेरे दूसरा टॉपिक मेरा क्या है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर को यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, सही है। इस कोड में आके मैंने यहाँ पे इसको आगे पेस्ट कर दिया। अच्छा ये देखें कॉलन, ये इसकी निशानी का पहली एट्रीब्यूट मेरी क्लोज हो गई है, ठीक है। ये देखें पहली एट्रीब्यूट मैंने अपनी कॉपी, पहली एट्रीब्यूट मेरी क्लोज हो गई है। कॉलन लगाने का मकसद ही क्या है कि मेरी पहली एट्रीब्यूट क्लोज हो गई है। इसके बाद मैंने स्पेस देखी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन की एट्रीब्यूट यहाँ पर क्लोज हो गई। थोड़ी सी स्पेस दी, अब मैंने कौन सा काम करना था, फॉन्ट स्टाइल करना था अपना। फॉन्ट स्टाइल को सिंपली मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। सबलाइन में आके मैंने सी छोड़ी सबलाइन की, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस हो गई, इतनी ज्यादा स्पेसिंग नहीं करनी, कोडिंग एरर दे सकती बस, थोड़ा थोड़ा स्पेस करना ताकि खुला खुला काम लगे। मैंने यहाँ पर इसको भी एंटर कर दिया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट कौन सा है,
फाउंड स्टाइल, ठीक है, एक एक करके तसल्ली से सुकून से काम करना है, एक एक करके मतलब तसल्ली से सुकून से काम करना है ताकि आप लोगों को भी मजा आए, कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अब मैंने इस तरीके से काम किया कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई गलती की गुंजाइश हो, इनकेस गलती होगी तो हम चेक कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से फोकस करके इसी के ऊपर काम करना है, और मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों ने भी उसी तरीके से काम करना है, खुला खुला कंजेस्टेड काम नहीं करना ताकि किसी दूसरे जिससे हमें कोडिंग करना है तो वो भी उसमें प्रॉब्लम निकाल सके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तीसरी चीज लगा दी, ठीक है, क्लियर हो गया। एक इसमें और मार दिया मैंने, अब मैंने यहाँ पर अपनी ये वाली चीज लगा दी, फॉन्ट फैमिली लगा दी, कॉपी कर लिया, सिंपली यहाँ पर आगे मैंने फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर दिया, एफएन मार दिया, ठीक है भाई। अब मेरा कौन सा है बॉर्डर वाला सिस्टम, सो मैंने सिंपल यहाँ पर कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया। अच्छा अब मैंने अपनी सारी कोडिंग लगा ली, अपनी मैंने सारी कोडिंग लगा ली, अब मैं अपनी कोडिंग का पैटर्न सही कर पाऊंगा। अब मैं देखूंगा कि मैंने कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं दे दी, अब देखिए मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा मसला कर सकता है मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा सा मसला कर सकता है क्योंकि टैग मेरा दूसरी लाइन में क्लोज हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा प्रोफेशनल वे में काम करूँगा, अपना जो ये वाला टैग है ना उसको कोशिश करूँगा कि H1 के साथ कर दो, ठीक है। अब देखिए लाइन जाइज होता है, अब यहाँ तक इसकी लिमिट खत्म हो गई जिस वजह से इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। देखिए कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्पेसिंग इसमें आप लोगों को नजर आ रही है, कोई ऐसी गलती की गुंजाइश नजर आ रही है, अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ भी किया। अब देखें, ठीक है, अब तो मैं यहाँ से आके इसको पहले रिफ्रेश कर दूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे सेव किया था, मैंने कंट्रोल एस भी कर दिया लेकिन मेरा काम सेव नहीं होगा, मैंने कंट्रोल एस भी कर दिया लेकिन मेरा काम सेव नहीं होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस हट गया सारा काम, वापस हट गया। अब मैं यहाँ पे आके सबलाइन के ऊपर कंट्रोल एस करूंगा ना, कंट्रोल मैंने एस कर दिया सबलाइन के ऊपर, अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल आर करूंगा ना तो मेरा काम वापस आ जाएगा। जो चीज मैंने यहाँ पे की थी वही चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो चीज मैंने की थी वही चीज यहाँ पे हुई हुई है। अब आप लोग कहोगे ऊपर वाली हेडिंग के ऊपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने स्टाइलिंग का टैग किसके अंदर खोला हुआ है, H1 के अंदर ही ऑन किया हुआ है, ठीक है। इनलाइन सीएसएस का मतलब भी यही है, जिस लाइन के ऊपर सीएसएस देंगे वहां होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोड तो सब मैच हो रहे थे, इस वजह से ऊपर वाली लाइन के ऊपर आया। कोडिंग का समझ में आ गया, स्टेप 1 से पहले बताऊंगा मैं क्या क्या करना होगा, कोड पे आप लोगों ने भी मुझे अपने साथ बताना है। सबसे पहले मैंने एक हेडिंग बोल दी, ठीक है, सेकंड स्टेप आप बताएं, उससे पहले क्या है सीएसएस का, तो कौन सा अभी छोड़ दें, पैटर्न क्या समझ लेना, वो बस लेफ्ट क्लिक करके एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आसान तुम बताओ क्या करना है, स्टेप सेलेक्ट करके क्या करना है, सेलेक्ट करके मस्त सवाल पूछेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पहुँचेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा।
मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपको। गूगल से मैं भी तो आप मैंने कौन मेडिसिन की स्टाइलिंग कर सकते हैं मैंने अपनी तरह से क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने उसको अपने एग्जांपल को कन्वर्ट किस चीज में करता है मेरा कहने का मकसद तो आप एग्जांपल दें कि कन्वर्टेबल एग्जांपल दे रहे हैं आई टेलिंग अ मोड स्टाइल करेंगे उसमें जो हमारे पास भाई मैंने आप लोगों ने कहा था फॉन्ट फैमिली को मैं स्टाइल भी दे सकता हूं स्टाइल मैंने क्यों दिया कि स्टाइलिंग करने से दो तरीके की टाइप है कि बोर्ड अटैलिक कर देगा अटैलिक कर देगा। फॉन्ट फैमिली का मकसद ये है कि फॉन्ट का मैंने स्टाइल चेंज कर दिया किसी एक सिंगल बंदे ने ये नहीं कहा कि फॉन्ट का स्टाइल मतलब फॉन्ट का मतलब जो लिखने का अंदाज है फॉन्ट की जो स्टाइलिंग है वो चेंज करते किसी किसी एक बंदे ने नहीं कहा ये चीज की पॉइंट है कि फॉन्ट का स्टाइल मतलब फॉन्ट की फैमिली चेंज कर देना एक तरीके से उसका लिखने का अंदाज टाइप का अंदाज चेंज कर देना ठीक है। देन उसके बाद स्क्रीन में देखें स्क्रीन में देखा था मैंने क्या करते हैं और भी मैंने कुछ की थी फॉन्ट स्टाइल की मैंने क्लास क्या रखी थी इटैलिक दो चीजें यूज होती सिंगल नॉर्मल और इटैलिक नॉर्मल और इटैलिक यूज कर लिया। देन उसके बाद कोई एक बंदा है क्लास के अंदर जो सही तरीके से जिस तरीके से मैंने बॉर्डर बताया उस तरीके से मुझे समझाया है यार ये बॉर्डर का जो ये टैग ये चीज है ना कोड मैं बोलता हूँ ये लोग हिट्स कर लो इस टैग इस कोड को हिट्स कर लो पहले देखो स्पून से देखो और मुझे समझाना कि किस तरीके से करते हैं स्पून से कोड को देखो जूम कर दूं जूम कर दिया फुल एक एक चीज का इन्वर्टेड कॉमा इसमें क्या रोल अदा कर रहा है कॉलन का क्या रोल है एक एक चीज को मुझे एक्सप्लेन कर अब तो मैंने बहुत जूम कर दिया ठीक है ये मैंने हाईलाइट भी किया ये मेरा बॉर्डर का अब थोड़ा मुझे इस बारे में समझाना आइए ऐसा कॉन्सेप्ट है ना एक्सप्लेन करना बहुत बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर में मुझे लगे समझ में आया
आपको यार क्या हो गया आज? मुझे लग रहा है बहुत खतरनाक खिचड़ी पकड़ी और कोई अच्छा इसका आंसर बताएगा। सोनिया कौन कौन सुनाएगा भाई सुनाओ। बॉर्डर बॉर्डर एक्सप्लेन करना बस मुझे। बॉर्डर किस किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या सही है? सही है जीरो से मैंने कहा ना जीरो से स्टेप बनेगा, तो आप पक्का श्योर है? बता देंगे सब चीजें, कोशिश नहीं करें, श्योर होना चाहिए। श्योरिटी चाहिए मुझे, श्योरिटी टाइम नहीं है ना तभी जाएगा। चलो मैं बता दूं मैंने पहले भी समझाया था, अब आप फिर से समझा देता हूँ। अभी देखें बॉर्डर सबसे पहले तो नॉर्मल जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से खोले। बॉर्डर हमने खोला, कॉलर उसके साथ लगा हुआ आएगा, ठीक है। और के अंदर मैंने क्या कहा था कि खुद सी चीजें मैं यहीं पे एक बार करके दिखा देता हूँ, चेक करके समझा रहा हूँ, कोडिंग करके इसी तरीके से कोडिंग करनी है, यूज कर लेना आप लोगों ने। मैंने भी फिलहाल बॉर्डर को हटा दिया, मैं न्यू बॉर्डर बनाऊ, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर। बॉर्डर लिख के मैंने क्या किया एंटर, बॉर्डर लिख के मैंने क्या किया एंटर, फिर मैंने क्या लिखा सॉलिड लिख के एंटर नहीं करना क्योंकि मुझे इसके आगे चीजें लिखनी है। एंटर लिखे लाइन क्लोज है, मैंने ये देखे आगे वाला बटन देख रहे हैं राइट, क्या कहेंगे उसको राइट एरो मैंने कर दिया, ठीक है। स्पेस दी मैंने, मुझे कौन सा कलर देना है, ब्लू कलर आ गया। फिर मैंने एक और राइट एंटर किया, स्पेस मारा, फिर मैंने कर दिया 35px। ओहो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया मेरा ये आसान काम, छोटा लिख रहा हूँ ठीक है। अब सही है, आया समझ में। बॉर्डर इस तरीके से मैंने, मैं बिगिनर था ना, मैं बिगिनर का झूठ ही बोलता हूँ, मैंने बॉर्डर में इतनी गलतियाँ करी लेकिन अब ऐसा भी बॉर्डर में कोड मुझे याद हो गया। बॉर्डर में गलतियाँ करोगे मुझे पता है, लेकिन गलती नहीं करनी आप लोगों, आप बिगिनर नहीं हो आप लोग। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझे यूट्यूब एक्सप्लेन करने वाला था, उसके सिवा कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था यूट्यूब एक्सप्लेन करना। आप लोगों को तो भाई मैं प्रोफेशनली करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल फॉर्म में इनपुट भी चल रहा है आपके सामने सामने, आउटपुट भी चल रहा है, समझ में आ रहा है कीज याद होने किस तरीके से करना है, समझ में आ गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, बॉर्डर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। बॉर्डर मैंने याद आके कर दिया, ऑर्डर भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बैकग्राउंड से क्या होगा, मेरा बैकग्राउंड हो जाएगा, अलाइनमेंट से मेरा क्या होगा सेंटर आ जाएगी, फॉन्ट से मेरा साइन सेट हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल से डायलेक्ट फॉर्म में आ जाएगी, फॉन्ट फैमिली आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा अब आप लोग कह रहे थे कि अच्छी सी फॉन्ट फैमिली चाहिए होगी ना, तब देख रहे हैं यहाँ पे इस फॉन्ट फैमिली किस फॉर्म में लिखी हुई आ रही है। सिंपल मुझे पता है क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमास से लेके यहाँ तक एफ तक कॉलन तक लगा दिया, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब फॉर्म पढ़िएगा फॉर्म, अब मुझे कहाँ पे पेश करना होना चाहिए, अब मुझे पता है बस मोनोस्पेस हटा के मैंने पेश कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमास मेरा क्या हो जाएगा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास बोलने यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, कहना इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे शो नहीं होगा, मैंने सिंपल इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए। स्पेस दे दे स्पेस स्पेस दे दे